अभी जस्ट शोरूम से स्कूटी निकाली और वसीम जो है मेरी स्कूटी लेकर भाग गए, वो देखो आगे इनको स्कूटी बिल्कुल भी चलानी नहीं आती। आज मेरी स्कूटी जो है तोड़ने वाले, नई स्कूटी आज अल्लाह पाक ही बचाएंगे, पता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करूँ मैं। ओ वसीम यार रुक जाओ, वसीम वसीम यार तुम मेरी स्कूटी लेके क्यों भाग गए यार, क्या कर रहे हो यार, स्कूटी लेके क्यों भाग रहे हो यार, ओ यार रुक जाओ यार, वसीम अल्लाह जी आज बचा ले यार। गाइस वसीम देखो स्कूटी ऐसे लेके भाग रहे, ऐसे लेके भाग रहे जैसे ये ना बहुत पुराने ड्राइवर है। मजा आ रहा है, मजा बाद में आएगा, प्लीज यार वसीम बात सुन ले यार, यार यहाँ से बेली चलाना, सुन मेरी मेरी बात सुनो यार, यहाँ से बेली चलाना स्कूटी लेकर जाना बहुत मुश्किल है यार, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ यार, कट मारूंगा उस साइड गांव के लिए, गांव के अंदर से जाएंगे तुम्हें सब पता है, इसलिए तुम क्या करो तुम पीछे पीछे आओ, मैं आगे के निकलता हूँ ना, मुझे बोल रही तू आगे आगे निकल, मैं पीछे पीछे स्कूटी लेकर आऊंगा, मैं और स्लिम भैया जो है आगे आगे निकल गए, स्लिम भैया वो चल रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ, अभी तक नहीं आया मेरे को, मैं यहाँ पर नहीं चल पा रही हूँ, यहाँ इतनी गाड़ियाँ इतनी गाड़ियों में मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, मैं और स्लिम भैया जो है पैदल चल रहे हैं, तो देखो आगे वसीम कहीं भी नहीं, हम काफी दूर तक मतलब पैदल चल कर आ गए तो वसीम नहीं मिल रहे हमें, पता नहीं कहाँ तक चले गए, मेरे को ना बहुत ज्यादा हो रही है टेंशन, उन्होंने हमें बोला कि आप मतलब आराम आराम से आओ पीछे पीछे, तो मैं आगे आगे चलता हूँ, तो हम चल चल कर थक गए, तो वसीम जो है कहीं भी नहीं मिले, उन्होंने पता नहीं कितने फास्ट वो जो है स्कूटी चला के ले जा रहे हैं। और गाइस अभी ना हम कुछ इस वाली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, वसीम जो है वो तो आगे निकल चुके हुए हैं, बस हम जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, मैं असलिम भी जो है वो आगे के चल रहे हैं और मैं असलिम भैया के पीछे पीछे चल रही हूँ, बस हम ना वसीम को जो है फॉलो कर रहे हैं, तो शाम जो है वो भी पड़ चुकी है थोड़ी बहुत, तो पता नहीं अब हम घर कब तक पहुंचेंगे, अभी बेली चलाना ना बहुत दूर है, तो हम बस पैदल ही चल रहे हैं, गाड़ी पर भी हम नहीं बैठे हैं क्योंकि वसीम जो है स्कूटी लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए हमें उन्हीं को फॉलो करते हुए जाना पड़ रहा है। तो सो गाइस फाइनली वसीम जो है वो हमें मिल चुके हैं, ये रहे सामने खड़े यहाँ पर, क्या मसला है, कहाँ है हेलमेट, मैं क्या करूँ, हेलमेट लाना चाहिए था ना तुम्हें, हाँ मिल रहे हैं यहाँ पे, दे रहे फ्री फंड के हेलमेट, आओ लेकर जाओ हेलमेट। गाइस अभी हम जा रहे हैं हेलमेट लेने के लिए क्योंकि शोरूम से हमें हेलमेट जो है वो नहीं दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर दूसरी शॉप पर आ चुके हैं हेलमेट लेने के लिए, चलो देखते हैं कौन सा हेलमेट लेते हैं। गाइस ये वाला हेलमेट मैं ले रही हूँ, दो लेने साढ़े तीन लगा दो, अंकल भी नहीं मान रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हमें ना दो लेने तो थोड़ा कम कर दो, 350 में एक लगाते हो तो हम दो ले लेंगे, तो अंकल जी नहीं मान रहे हैं। गाइस अभी रात के बज रहे हैं 7, तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम बेली चलाना और मैं बैठ चुकी हूँ अपनी स्कूटी पर, और स्कूटी जो है वो वसीम चला रहे हैं, ये देखो सामने आगे और ये बीच में स्लिम पे बैठे हैं और लास्ट पर मैं बैठी हुई हूँ, बस हमें 2-3 मिनट लगेंगे अपने घर तक पहुँचने के लिए, चलो वसीम, तो मेरे को डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है, चलो वसीम आराम से चलाओ यार, बस हम निकल चुके हैं घर के लिए और बाकी देखो आगे अंधेरा जो ना वो काफी ज्यादा पड़ चुका हुआ है। आराम से चलिए, आराम से निकल, मैं नहीं उतरने वाली, तो वो आराम से चलाओ यार, आगे यहाँ पर ना काफी ज्यादा रोड जो है वो खराब है गाइस, बस अब हम पहुंच ही चुके हैं अपने घर के पास। स्लिम भी कैसा लगा, अच्छा लगा, मजा आया, स्लिम भी को बहुत ज्यादा मजा आया, चलो अब आगे तक जा रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था वसीम जो है मतलब इतनी दूर से जो है स्कूटी चलाकर जो है यहाँ तक मतलब पहुंचेंगे, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन गाइस थैंक गॉड के वसीम जो है सही सलामत जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि मतलब वहाँ से स्कूटी जो है ना डिगियाना से बेली चलाने तक उन्होंने चला के लाई है, बट रास्ते में मेरा और स्लिम भैया का बहुत ही पॉपड़ हुआ,
हमने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया। हमें पेट्रोल के लिए वसीम ने भेजा, फिर हमने पेट्रोल बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के लाया, तो फिर वसीम तो निकल गए थे हमसे आगे, तो फिर हम दूसरी गाड़ी पर आए, तो अभी वसीम जो है आगे निकल गए हम, और स्लिम भी अभी जो है उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो हम भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। गाइज जस्ट अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मिसबा देखो स्कूटी पर जाकर बैठ चुकी है, तो अब यहाँ सोच रहे हैं कि स्कूटी कहाँ पर लगानी है हमने। बताओ कैसा लगा स्कूटी चला के आपको? मजा बहुत है। बोला है डर नहीं लगा आपको? डर किस बात का लगेगा? नहीं लगा। स्लिम भैया आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूटी घर पहुंच गई है, कुछ नहीं कहते, खुश हुए हो? नहीं, खुशी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आपको ये जो ये स्कूटी का कलर है ये पसंद आया आपको? ये तो मेरा फेवरेट कलर है। ओह क्या बात है, आपके फेवरेट कलर नहीं दिया ये। विशु आप क्या कहना चाहते हो स्कूटी के बारे में? कैसी स्कूटी दी है? अच्छी है। अच्छी है, तो भैया को लड्डू शड्डू नहीं मांगे आपने? अच्छा आप खिलाओ हमें, हमने स्कूटी लाई है, आप खिलाओ। अंदर से लाओ ना, कल खिलाएंगे, कल बोलू। मुझे नहीं आता, ये छोटा है, नहीं आता है, छोटा नहीं है, आपको ऐसे दिखता है। मिसबा तो देखी नहीं रही, मिसबा नहीं देखी, अब देखी अपना खजाब उतार तू। खजाब ये छोटा है मिशु, ये मुझे नहीं आता है, आता है। मेरा गला दुबारे लगी। ये नहीं आता आपको? बड़ा सारा लेना पड़ेगा। हाँ बड़ा सारा लेना पड़ेगा, ये इतना बड़ा। ये मिशु को आता है, ये ले मिशु, जाओ मैं लगाऊंगा, देखो अच्छा लग रहा है। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, तो इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। आपको ये स्कूटी कैसी लगी, ये जो कलर जिस कलर की मैंने स्कूटी ली है, ये वाला कलर किस किस का फेवरेट है? मिशु बोल रही है कि मेरा तो फेवरेट ही है, तो ठीक है मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।